हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीएल चौधरी आज लेक्चर 2 यूपीएसआई का लेकर के आया हूँ। मैंने पहले लेक्चर में समृद्धि तथा विकास एवं अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा और बेरोजगारी के बारे में चर्चा किया था। आज की क्लास में मैं राजकोषीय नीति के बारे में आपको बताऊँगा, जो राय यूपीएसआई की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, इसी को कभी कभी सरकारी नीति भी कह देते हैं, इसी को कभी कभी राजस्व नीति भी कह देते हैं, इसी को कभी कभी सार्वजनिक नीति भी कह देते हैं। मतलब ये हिंदी में पर्यायवाची नाम है। जैसे पिताजी को कोई पापा कहता, कोई बाबूजी कहता, कोई डैडी कहता है, लेकिन इंग्लिश में फादर ही कहते हैं, वैसे ही राजकोषीय नीति को सरकारी नीति, राजस्व नीति, जो है सार्वजनिक नीति के नाम से जाना जाता है। मित्रों, पहले हम ये जानें कि राजकोषीय नीति होता क्या है। तो राजकोषीय नीति का मतलब होता है सरकार की नीतियाँ क्या हों, कैसे हों, किसके लिए हों, ये बताने वाली नीति को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। देखिए, शुरू शुरू में सरकार नहीं थी, मनुष्य पशु पक्षी की तरह जन्म लेते थे, भेड़ बकरी की तरह मर जाते थे, भूख लगे तो प्रकृति से फल तोड़ते थे, खा लेते थे, गर्मी लगे तालाब में कूद जाते थे, ठंडी लगे खाल लपेट लेते थे, उनको सरकार की जरूरतें नहीं थी। लेकिन कालांतर में आगे चल करके समाज में विषमता हो गई। जब समाज में विषमता हो गई तो वहीं पे सरकार की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि कोई अमीर घर में जन्म लेता, कोई गरीब घर में जन्म लेता है। अब जन्म के समय तो दोनों समान हैं, लेकिन एक अमीर घर में जन्म लिया, एक गरीब घर में जन्म लिया, विषमता तो जन्म से ही हो गई। इसलिए राजकोषीय नीति का उदय हुआ। इकोनॉमिक्स में राजकोषीय नीति की शुरुआत 1936 में कीन्स के द्वारा माना जाता है, कीन्स, क्योंकि 1930 ईस्वी की मंदी आई थी, 36 के पहले 1930 की मंदी आई, तो सरकार केवल तीन काम करती थी, शांति, व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस, जेएस मिल, ये कहते थे सरकार को तीन ही काम करना चाहिए, शांति, व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय। 1930 के पहले सरकार तीन ही काम करती थी, शांति, व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय। लेकिन जब 1930 की मंदी आ गई तो अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि यदि सरकार का काम शांति, व्यवस्था, सुरक्षा, न्याय करना है तो सरकार का काम जन कल्याण करना भी होना चाहिए। इसी के साथ राजकोषीय नीति का उदय माना जाता है। 1936 में इसके जनक केन्स हैं। सरकार करती क्या है, ये समाज में विषमता को दूर करने का सरकार काम करती है और अपने तीन टूल्सों के माध्यम से इकोनॉमी को नियंत्रण करने का काम करती है। तीन टूल्सों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करती है, पहला कर, दूसरा ऋण और तीसरा व्यय। कर और ऋण ये दोनों सरकार के साधन हैं और सरकारी व्यय करना ये सरकार का लक्ष्य है। कर ऋण में मुख्य अंतर ये है कि यदि सरकार कर लेती है तो उसके बदले में वो कुछ देने का वादा नहीं करती है। कर उसे कहते हैं जो एक कर एक अनिवार्य अंशदान है जिस पर लगाया जाता है, वह उसे देने के लिए बाध्य है और उसके बदले में वो सरकार से कुछ पाने का दावा नहीं कर सकती है। जबकि ऋण यदि सरकार लेती है तो उसे ब्याज सहित अदा करने का वचन भी देती है। कर देखिए दो तरीके का होता है,
एक का नाम है प्रत्यक्ष कर और दूसरे का नाम है अप्रत्यक्ष कर। ऋण भी देखो दो तरह का होता है, देश के अंदर और देश के बाहर। व्यय भी दो तरीके का होता है, योजनागत और दूसरा होता है गैर योजनागत। गैर योजनागत। अब देखिए, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस पर सरकार लगाती है वह देने के लिए बाध्य है, और जिस पर सरकार लगाती है उसी से कर वसूला जाता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इस कर को विवर्तन कर पाना मतलब टाल देना, दूसरे पे हटा देना, विवर्तित कर देना संभव नहीं होता। जैसे आयकर, निगम कर, निगम कर का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट पे लगने वाला कर निगम कर, संपत्ति कर, ये डायरेक्ट टैक्स होंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जिस पर कर लगाया जाए लेकिन उसका भुगतान कोई और करे तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जैसे कोई डॉक्टर है, उस पर 10% टैक्स लगा दीजिए, वह उसे मरीज से 100 रुपया फीस ले रहा है, डॉक्टर पे टैक्स बढ़ाकर 20% कर दीजिए, वो मरीज से वसूलने लगा 200। टैक्स बढ़ा किस पर? डॉक्टर पे। वसूला किससे? मरीज से। तो सेवा कर कैसा कर होगा? अप्रत्यक्ष कर। एक लाइन में समझिए कि जिस पर कर लगे उसका भुगतान कोई और करे, मतलब उसे विवर्तित कर दिया जाए, उसे टाल दिया जाए, उसका भुगतान कोई और करे तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे बिक्री कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, सेवा कर और आपका GST, ये सब अप्रत्यक्ष कर में आएंगे। क्योंकि आप इस तरह से समझें, जिसको थप्पड़ मारे दर्द उसी को करे तो ये डायरेक्ट दर्द होगा, और जिसको थप्पड़ मारे दर्द किसी और को हो तो ये इनडायरेक्ट दर्द होगा। जैसे आप कोई पिक्चर देखिए, जब हीरो को मारते हैं तो हीरोइन चिल्लाते हुए आती है और कहती है जहाँ पनाह बस करिए, अब मत मारिए, क्योंकि मारते हो हीरो को दर्द होता है हीरोइन को, तो ये कैसा दर्द है? इनडायरेक्ट। तो जिस पर कर लगे उसका भुगतान वही करे तो ये डायरेक्ट टैक्स, और जिस पर कर लगे उसका भुगतान कोई और करे तो इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार ने कर लगा दिया, कर से काम नहीं चलता तो सरकार ऋण लेती है। सबसे पहले देश के अंदर ऋण लेती है और फिर देश के बाहर ऋण लेती है। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार देश के अंदर ऋण लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देश के अंदर और बाहर ऋण लेगी। चलिए, कर ऋण से सरकार को पैसा मिल गया लेकिन इससे भी सरकार का काम नहीं चल पाता तो सरकार करती क्या है कि उसके बाद सरकार फाइनेंशियल डेफिसिट का यूज करती है, और फाइनेंशियल डेफिसिट का यूज करने के बाद हिनार्थ प्रबंधन के माध्यम से सरकार करती क्या है कि हिनार्थ प्रबंधन के साथ नई नोटों का निर्गमन करा लेती है। जितने के बराबर नई नोटों की जरूरत है उससे उतने के बराबर प्रतिभूति जमा करके नई नोटों का निर्गमन कराकर अपना काम चलाती है। व्यय देखिए सरकार दो प्रकार का करती है, एक योजनागत, दूसरा गैर योजनागत। जैसे आपको एक गिलास जूस पिलाया जाए, यदि उस जूस से एनर्जी मिल जाए तो योजनागत व्यय, और भक्का दे उल्टी कर दो तो गैर योजनागत व्यय। कपड़ा पहन लो, यदि सुकून मिल जाए तो योजनागत व्यय, और खजुआने लगे तो गैर योजनागत व्यय। इसी तरह सरकार भी योजनागत गैर योजनागत व्यय करती है। लेकिन आपके परीक्षा में गैर योजनागत पूछा जाता है कि बताइए सब्सिडी, ब्याज माफी, प्रतिरक्षा, पेंशन, ये सारे प्रश्न आ चुके हैं परीक्षा में। सब्सिडी, ब्याज माफी, प्रतिरक्षा, पेंशन, ये सारे कैसे व्यय के अंतर्गत आएंगे? तो ये सारे व्यय जो आएंगे गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए मित्रों, आज हम इस टॉपिक के बारे में आपको बताएं
फिर अगली क्लास में हम आपको इसमें बजट वगैरह के बारे में बताएंगे, बजट क्या है, कैसे पेश होता, कैसे पारित होता, लेकिन फिर से इसे रिकॉल कर लीजिए और फिर मैं अगली वीडियो आपको बजट में दूंगा कि बजट सबसे पहले कहाँ पेश हुआ, कब पेश हुआ, कैसे पेश हुआ, उसकी चर्चा करूँगा मैं। तो आज जरा ध्यान दीजिए, राजकोषीय नीति का मतलब होता है सरकार की नीतियाँ क्या हों, कैसे हों, किसके लिए हों, ये बताने वाली नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। दूसरी बात कि राजकोषीय नीति उसे कहते हैं, सरकार की नीति है ये, सरकार तीन काम करती है, अमीरों से कर लेती है, कम पड़ने पर ऋण लेती है और गरीबों पे निचोड़ने का काम करती है ताकि इकोनॉमी में विषमता कम से कम हो। कर देखिए दो तरीके का होता है, कर यदि सरकार लेती है तो उसे वादा वापस करने का वचन नहीं देती है, जबकि ऋण लेती है तो ब्याज सहित अदा करने का वचन भी देती है। कर देखिए दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष करवा कर है, जिस पर लगाती है उसी से उत्साद मतलब वसूलती है। अप्रत्यक्ष करवा कर है, जिस पर लगाती है उसे विवर्तित करके किसी और से वसूल कर जमा करती है। ऋण देखिए देश के अंदर, राज्य सरकार देश के अंदर लेती है और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देश के अंदर बाहर दोनों जगह लेती है। व्यय दो प्रकार का होता है, योजनागत गैर योजनागत। गैर योजनागत में सब्सिडी, ब्याज माफी, प्रतिरक्षा आता है। राजकोषीय नीति के जनक कौन है? तो 1936 में इसके जनक कीन्स हैं। तो देखिए मैंने आज राजकोषीय नीति के बारे में चर्चा किया, कर ऋण और व्यय के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं अगला क्लास आपका बजट पे लूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक मित्रों, पढ़ते रहिए और ये सारी प्रश्नों को ध्यान में रखिए क्योंकि इससे बाहर कुछ आता नहीं है और ना कभी आएगा। धन्यवाद मित्रों।